हेलो प्रियंका, मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं क्लियर हूँ? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ओके, थोड़ा वीडियो में इशू रहेगा लेकिन आवाज तो क्लियर है। हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। लोग यूनिट 6 पढ़ने वाले हैं। ओके, सो गोइंग टू स्टार्ट हियर। देखने जाते हैं। स्क्रीन आ रही है? नहीं आ रही। फुल स्क्रीन हो रही है? हेलो, कंप्लीट स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? रजवाना, ओके। एक मिनट देना, तो स्क्रीन में शोर है।
क्या वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही क्या? अब आ रही है? क्लियर है या नहीं है? हाँ या ना? प्रियंका, आर यू गेटिंग माई वॉइस और नॉट? देखो अभी तक मैंने तुमको जो भी पढ़ाया है उसमें मैंने क्या दिखाया है? हाँ ठीक है, तो मैंने तुमको ये पढ़ाया है कि इसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है यूएसए का, वो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को बताता है, जिसमें कि 6 कॉमन पॉल्यूटेंट है, जिसमें से सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ओजोन है, PM2.5 MPM है, जिसका नाम है टोटल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, लेड भी है, इसके अलावा मर्क्यूरी भी इसमें इंक्लूडेड होता है, करेक्ट? हमने ये पढ़ाया। सेकंड में हम क्या पढ़ रहे हैं? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के जो टाइप्स हैं वो पढ़ रहे हैं। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के जो टाइप्स है तुम देख सकते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रेट है, नाइट्रोस ऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड है, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन पॉल्यूटेंट है ये भी जानना तुम्हारे लिए जरूरी है, क्योंकि देखो तो इन्वायरमेंट में रह रहे हो तो सबके सभी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, ठीक है, ये सब भी इन्वायरमेंट में तो रह ही रहा है ना। दीज वंस जिसकी नाइट्रोजन नॉक्स जो है, इनमें से 7 ऑक्साइड्स के बारे में तुम पढ़ लिए नाइट्रोजन, लेकिन इनमें से कौन पॉल्यूटेंट है ये तो जानना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये क्या है? ये पॉल्यूटेंट में कंसिडर है। एंड द सेकेंड वन इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दैट इज NO2, ये तुम्हारा कंसेप्ट है पोल्यूटेंट्स के अंदर आता है, बाकी सब आता ही नहीं है। तुम देख सकते हो बैक में, दीज आर नॉट कमिंग, ये नहीं है पोल्यूटेंट भाई, इतना ही है। इतना ही है, सिर्फ इतना है पोल्यूटेंट्स में ना, इतना ही है, करेक्ट? बाकी सब है ही नहीं। बाकी तो है ही, ठीक है। तो ये तुम इन्वायरमेंट में रहने के बावजूद भी तुम इसको फील नहीं कर पाते कि नाइट्रोजन ऑक्साइड है और वो पॉल्यूटेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि तो तुमको दिखता नहीं है। एयर पार्टिकल्स दिखते नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि उनका कोई वजूद ही नहीं है और वो काम ही नहीं कर रहे हैं। अभी तो तुम लोग सिर्फ यूजी नेट की तैयारी में घुसे हुए, पता है मल्टी डोनर बिजनेस ही है। हर बड़े इंडस्ट्री को ग्रीन हाउस गैस रिडक्शन के लिए कुछ एम्प्लॉय हायर करने होते हैं, पता है? अगर तुम्हें पता नहीं, बहुत सारे ऐसे कंपनी एब्रॉड में, इतनी कंपनी है जो नेट कार्बन, नेट जीरो कार्बन, नेट जीरो नाइट्रोजन पे काम करते हैं। अब वहां पे इंटरव्यूज में क्या पूछे जाते हैं? यही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नेम दी 7 ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन। अब इनमें से दो बताओ जो कि तुम्हारे क्या है, मेजर पोल्यूटेंट है। पूछेगा क्या नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड जो है वो तुम्हारा है क्या पॉल्यूटेंट? बोलेगा हाँ सर, हमने तो पढ़ा था ये ऑक्साइड सब नाइट्रोजन है। नहीं है भाई, सिर्फ NO एंड NO2 ही है, बाकी सब है ही नहीं। अब फिर बात आता है कि ये पॉल्यूटेंट क्यों है, इनका मेजर रोल क्या है? क्या है कि दीज गैसेस कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग, डेंजरस स्मॉग बनाता है, एसिड रेन करता है, एज वेल एज ट्रोपोस्फेरिक ओजोन का पोल्यूशन भी करता है, ठीक है। ऑल्दो इट मे हैव ए सिग्निफिकेंट ऑन द ओजोन लेयर, ओजोन लेयर पे भी इसका सिग्निफिकेंट प्रभाव है। जो नॉक्स है वो ओजोन लेयर को तोड़ने का भी काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड के बारे में हमने पढ़ रखा है, जब हम शुरू के लेसन्स पढ़ रहे थे तो उसमें पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड की चर्चा की गई थी। जब उसमें चर्चा की गई थी वहां पे बोला गया था पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड जो होता है वो किस चीज का मिक्सचर होता है? हाइड्रोजन का कंपाउंड है एंड व्हाट? अगर ये चीज तुमको क्लियर है देन ये चीज तुमको क्लियर हो जाएगा, ये किससे बना हुआ है, करेक्ट?
अब तुम यहाँ पे रिएक्शंस देख सकते हो, जैसे कि NOY इक्वल टू NOZ प्लस NOX, कि NOX किससे बना है, NO प्लस NO2। तो NOZ जो है वो क्या होता है, HNO3, HONO2, 2N2O5, HO2NO2, एन नाइट्रेट, ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स, बट नॉट NH3। NH3 नहीं। फिर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि भाई जो नॉक्स है ये कैसे मेजरमेंट किया जाएगा, क्या मेथड से भाई इसको मेजरमेंट करने का थोड़ा बता दो। तो इसके दो मेथड है, नॉक्स को डिटरमाइन करने के लिए दो तरीके के मेथड्स यूज किया जाता है। एक होता है केमी ल्यूमिनेसेंस, जो कि तुमको यहाँ दिख रहा है, जैसे मेथड केमी ल्यूमिनेसेंस की एक मेथड है, ओके। एंड अदर मेथड इज जैकब हॉइस्चर मेथड। दो मेथड, केमी ल्यूमिनेसेंस एंड जैकब हॉइस्चर। अब कोई पूछेगा कि सर ये केमी ल्यूमिनेसेंस मेथड है क्या, बता दोगे? अच्छा, जो वर्ड है केमी, क्या समझते हो? केमी ल्यूमिनेसेंस से समझते क्या हो? अगर इस वर्ड को समझ जाओगे देन यू कैन आंसर इट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कौन सा टॉपिक है सर? एयर पोल्यूशन में। हाँ जी, हम एयर पोल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो एयर पोल्यूशन का ही टॉपिक होगा, कोई दूसरा टॉपिक तो होगा नहीं। यूज केमिकल्स, मैंने पूछा केमी ल्यूमिनेसेंस एक वर्ड दो वर्ड से बना हुआ है, तो क्या है वो दो वर्ड का मीनिंग, समझा सकते हो? क्या प्रियंका रिजवाना, बताओ। No. अच्छा, तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तुमने उस चीज में कभी इस चीज को भी पढ़ा होगा, उसमें तीन चार सेल होते हैं किसी एटम में, के एल एम एन सेल्स होते हैं, करेक्ट? तो वो जो के एल एम एन सेल होते हैं, जब तुम इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हो तो वो जाता है एक हायर एनर्जी स्टेट पे, फिर वो ग्राउंड स्टेट पे आता है। तो जब ये ग्राउंड स्टेट पे आता है तो क्या है? वो एक लाइट एमिट करता है। केमी ल्यूमिनेसेंस की एग्जैक्टली सेम चीज, कि तुमने केमिकल रिएक्शन किया जिसकी वजह से क्या हुआ कि उस पार्टिकल के जो एटम्स है वो एक्साइट कर गए, एक्साइट करने के बाद क्या हुए, वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आ रहे हैं, तो वो कुछ लाइट एमिट करेंगे। उस लाइट के बेसिस पे तुम पता कर सकते हो कि ये क्या है, तुम्हारा नॉक्स है, ठीक है? ये चीजें मैं याद रखना रहा हूँ, इस चीज के बारे में याद रखना। इसके बाद आता है जैकब हॉइस्चर मेथड। कौन सा मेथड? जैकब हॉइस्चर मेथड, ठीक है? तो जैकब हॉइस्चर मेथड में क्या होता है, पूछेगा? अरे जैकब हॉइस्चर होता है, तो इसमें क्या किया जाता है, देखो इसमें ना एक रिएजेंट ऐड किया जाएगा, तुम्हारा यहाँ पे केमिकल
क्या होगा, नॉक्स पता चलेगा। ओके, और फिर वो बात आता है कि सर ये रीजन क्या है, कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसका डिटेल मेथड तुमको जानना है। तो क्या होता है उसमें कि जो NO2 होता है एयर में, उसको कलेक्ट किया जाता है स्क्रबिंग, स्क्रबिंग मेथड में उसको कलेक्ट किया जाता है एक सॉल्यूशन में जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आर्सेनेट। दो मिक्सचर होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम आर्सेनेट सॉल्यूशन। ठीक है, अभी जो एब्जॉर्ब NO2 होता है इज डिटरमाइंड बाय एजो डाई, एजो डाई होता है जिससे कि उसको मेजर किया जाता है। ठीक है, अब इस मेथड का जो रेंज एक अलग सेट करके हम क्या करते हैं कि इसमें रिएक्शन करवाते हैं, NOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं, एब्जॉर्बिंग रिएजेंट डालते हैं, आर्सेनिक कंपाउंड्स वगैरह भी इसमें आते हैं, सोडियम आर्सेनेट वगैरह भी डाला जाता है। ठीक है, फिर फाइनल क्या होता है कि इसमें एक वैल्यू निकलता है। ठीक है, किसका, सोडियम नाइट्राइट का। तो सोडियम नाइट्राइट सॉल्यूशंस का जो वैल्यू निकलता है वो हमको डिटरमाइन करके देता है कि नॉक्स तरीके से होगा। आई विल अपलोड, इसकी चिंता मत करो। ये जो क्वेश्चन है जैकब मॉइस्चर का, ये पूरा मेथडोलॉजी के साथ मैं तुमको अपलोड करके दे दूंगा। ठीक है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुमको बस इतना ही याद रखना है कि जैकब मॉइस्चर मेथड क्या होता है और किस काम में आता है, जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, दिस इज वेरी सफिशियंट कि तुम इतना ही जानो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या बोलता है, फॉर्मेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि फॉर्मेशन के बारे में तो जानना जरूरी है, कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, क्या मेथड्स है। ठीक है, तो अगर फॉर्मेशन देखें तो क्या बताता है, होता है जो, एक मिनट, क्योंकि ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, ये रिएक्ट नहीं करते हैं कहाँ पे, एम्बिएंट टेम्परेचर में कतई रिएक्ट ना करें। ये कब रिएक्ट करते हैं, जब हाई टेम्परेचर होता है। इससे क्या होता है कि एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन तो समझ रहे हो कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, वेरियस ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म होगा। मतलब ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट समझाया है कि एक नाइट्रोजन कभी भी एक ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल एटमोसफेयर में रिएक्ट करेगा ही नहीं। उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हाई टेम्परेचर एटमोसफेयर चाहिए। नॉर्मल एटमोसफेयर में कतई ना रिएक्शन होगा ना कुछ होगा। यही चीज वो इसमें समझा रहा है, इसमें समझा रहा है। ठीक है, ये चीज तो क्लियर हो गया होगा, कतई जब रिएक्ट करेगा ही नहीं। इसमें हमारा नॉर्मल एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो क्या होता है, ये मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल जब गाड़ी में डालते हो तुम, क्या तेल वगैरह डालते हो। ठीक है, तो नेचुरली एक तो वो फ्यूल से बनेगा क्योंकि फ्यूल में नाइट्रोजन कंटेंट होता है। ठीक है, उसमें जब मिक्सचर ऑफ एयर रिएक्ट करता है तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। दूसरा क्या है, लाइटनिंग तो जानते ही हो, लाइटनिंग की वजह से भी होता है। तो अगर हम बात करें इन एटमोस्फेरिक केमिस्ट्री, द टर्म नॉक्स मीन्स द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ NO एंड NO2। ठीक है, फिर क्या बोलता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन O2 नाइट्रिक ऑक्साइड NO रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म NO2। ठीक है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करता है NO2 को फॉर्मेशन के लिए। करेक्ट, ये बोलता है कि व्हेन नॉक्स एंड बीओसी
फिर कहानी आगे बढ़ रही है, क्योंकि क्योंकि ये दोनों पॉलिटेंट हैं, तो ये दोनों कुछ तो ऐसा चीज बना रहे होंगे ना कि जिससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, तो वो क्या बना रहे हैं उस पर फिर चर्चा हो रही है कि मतलब ये जो नॉक्स है, वेन दी नॉक्स रिएक्ट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डे फॉर फोटोकेमिकल्स मॉल, फोटोकेमिकल्स मॉल बनाते हैं, ठीक है, ए सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ एयर पोल्यूशन, करेक्ट, ठीक है। तो ये तुमको पता होना चाहिए, यही एग्जाम में बार बार पूछ लेते हैं। ये जो नॉक्स है वो तो जब वीओसी के साथ रिएक्ट करता है सनलाइट के प्रेजेंस में तो क्या बनाता है, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये फोटोकेमिकल्स मॉल बनाता है, ठीक है। वो पूछ दिया था कि फोटोकेमिकल स्मॉग का प्रीकर्सर क्या होता है, 2022 के पेपर में पूछ दिया फोटोकेमिकल स्मॉग का प्रीकर्सर क्या होता है, नहीं आ रहा था बच्चों को, एकदम शुद्ध हिंदी में भी बोले हैं तो भी गलत करके आ रहे थे बच्चे, एकदम गलत करके आ रहे थे। क्यों गलत करके आ रहे थे, कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है कि किससे क्या फॉर्मेशन होता है, ओजोन लीक क्या आ रहा है। फोटोकेमिकल स्मॉग का प्री करता तो सिर्फ वीओसी एंड नॉक्स है, ओजोन कैसे हो सकता है, ओजोन नहीं होता है, ओजोन कंपाउंड के फॉर्मेशन होता है तब होता है, मतलब प्रोडक्ट स्टेट पे ओजोन होता है, रिएक्टेंट स्टेट पे ओजोन नहीं होता है जब रिएक्शन होता है। तो ये जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है बच्चों का, ये गलत करवाता है एग्जाम, इसी चीज को मैं तुमको समझा रहा हूँ भाई, रिएक्टेंट में तुम्हारा ओजोन नहीं है, ओजोन इज दी प्रोडक्ट, प्रोडक्शन पार्ट, प्रोडक्ट स्टेट पे रहेगा, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में क्लियर रखना, ओके, दिस शुड बी क्लियर। अब बात है कि यहीं तक तो सीमित नहीं है, तो कहानी बढ़ रही है नाइट्रिक एसिड, एसिड रेन, इन सब पे कहानी चल रही है। इनमें क्या होता है जो नाइट्रिक एसिड और एसिड रेन की बात कर रहे हैं, उसमें क्या बोल रहे हैं कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड वो नाइट्रिक एसिड तब बनाएगा जब उसमें सिंपली तुम्हारा H2 ऐड हो जाएगा। वो लिखा है व्हेन डिजॉल्व्ड इन द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में ये डिजॉल्व होगा तब वो एसिड रेडिकल बनेगा फॉर्मिंग ए कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, ठीक है। ये चीज समझा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो क्या होगा इवेंचुअली फॉर्म होगा नाइट्रिक एसिड को व्हेन डिजॉल्व इन एटमोस्फेरिक मॉइस्चर, मॉइस्चर में डिजॉल्व करेगा तभी होगा, ठीक है। बोलता है कि इस चीज को फॉर्म करेगा फॉर्मिंग ए कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन को बनाएगा तो होगा, दिस कैलकुलेशन ऑकर्स व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद द वाटर। तो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो HNO2 बनाएगा एंड HNO3 बनाएगा, ठीक है, ये दो चीजें बनाएगा, ठीक है। फिर इसमें बोल रहा है कि दिस नाइट्रिक एसिड में एंड अप इन दिस सॉइल, नाइट्रिक एसिड जो है सॉइल में एंड अप हो जाएगा और फाइनली नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तो हमारे जो प्लांट्स हैं वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को तो डायरेक्टली लेते हैं, नाइट्रोजन साइकिल में तो यही पढ़ाया गया है कि एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को कभी भी डायरेक्टली नहीं लेता है सॉइल, इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट फॉर्म,
नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए भी तो ये चाहिए। ठीक है, पी सिंपल वन, ये तो तुमको समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेचुरल सोर्सेस कौन कौन से हैं नाइट्रिक ऑक्साइड के। नाइट्रिक ऑक्साइड से अगर नेचुरल सोर्सेस की बात करें, ये प्रोड्यूस होता है तुम्हारे थंडर स्टॉर्म से ड्यू टू एक्सट्रीम हीटिंग ऑफ द लाइटनिंग एंड इज कॉल्ड बाई स्प्लिटिंग ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। वहां पर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की स्प्लिटिंग हो जाती है। दिस कैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड रेन। ये एसिड रेन के प्रोडक्शन में भी रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, फिर क्या बोलता है कि इफ नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्स कंपाउंड विद द वाटर मॉलिक्यूल इन प्रिसिपिटेशन तो क्या होगा, तभी तुम्हारी ये चांसेस है कि ये बनेगा। तो नेचुरल सोर्सेस में क्या बोला है कि नाइट्रिक ऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म एंड ड्यू टू एक्सट्रीम हीटिंग ऑफ द लाइटनिंग एंड इज कॉज्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिस कैन रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एसिड रेन। ठीक है, इफ द ऑक्साइड फॉर्म्स द कंपाउंड विद द वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेसिपिटेशन। क्या क्या समझाया, समझ रहे हो? सेंटेंस को बार बार पढ़ोगे 3 4 बार तब तुमको समझ आएगा, एक झटके में तो समझ में आएगा ही नहीं तो क्या बोला जा रहा है। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है कब, जब थंडर स्टॉर्म में एक्सट्रीम हीटिंग लाइटनिंग होगी। फिर समझ में आया कि कोई भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स तभी बनेंगे जब हाई टेम्परेचर होगा। लाइटनिंग के बिना तो हाई टेम्परेचर पैदा होने की संभावना ही नहीं। ठीक है, तो उस समय हो क्या रहा है कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी स्प्रेड कर दे रहे हैं N2 को। ठीक है, जो कि ऑक्साइड्स बना के एसिड बना के प्रेसिपिटेट कर देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बायोजेनिक सोर्सेस भी। तो बायोजेनिक सोर्सेस में तो सिर्फ एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय प्लांट्स, एटमॉस्फेरिक नॉक्स को कंट्रीब्यूट करते हैं बाय प्रमोटिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा जब नाइट्रोजन फिक्सेशन को प्रमोट किया जाता है तब वो फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल के दो सोर्सेस हैं। इंडस्ट्रियल सोर्सेस में दो तरीके हैं, एक होता है थर्मल नॉक्स, एक होता है फ्यूल नॉक्स। थर्मल नॉक्स और फ्यूल नॉक्स में डिफरेंसेस है। ठीक है, थर्मल नॉक्स तुमको यहाँ दिख रहा होगा, एग्रीकल्चर फर्टिलाइजेशन एंड यूज ऑफ द नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू एटमॉस्फेरिक नॉक्स। अब थर्मल नॉक्स तुम देख सकते हो, थर्मल नॉक्स जो है वो कैसे बनता है, फिर कहानी है उसके पीछे। थर्मल नॉक्स का तुम फॉर्मेशन यहाँ पे चेक कर सकते हो कैसे बनता है। थर्मल नॉक्स क्या लिखा हुआ है, थर्मल नॉक्स रिफर्स टू द नॉक्स फॉर्म्ड थ्रू हाई टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ डायटोमिक नाइट्रोजन। थर्मल नॉक्स तब बनता है जब तुम्हारा नॉक्स जो है हाई टेम्परेचर में ऑक्सीडेशन होके डायटोमिक नाइट्रोजन बनाता है एंड फाउंड इन द कंबशन एयर। द फॉर्मेशन रेट इज प्राइमरली ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिडेंस टाइम ऑफ नाइट्रोजन एट द टेम्परेचर। बहुत चीजें समझाया, थर्मल नॉक्स फॉर्म सिंपली कैसे होता है जब डाई नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाए, मतलब उसमें ऑक्सीजन आके जो होते हैं, कि फॉर्मेशन रेट काफी स्लो होता है और रेजिडेंस टाइम का और टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो कितना ज्यादा तुम्हारा नाइट्रोजन एटमोसफेयर में मौजूद है और उसके साथ साथ उसका टेम्परेचर किस तरीके से वैरी करता है, इस पर डिपेंड करता है। इसके बाद आते हैं फ्यूल नॉक्स। फ्यूल नॉक्स तो तुम समझ लो ये कैसे बनता है। इट इज एस्टिमेटेड दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यूल्स कॉज 54% ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक ह्यूमन कॉज्ड नॉक्स। ठीक है, फ्यूल नॉक्स कैसे बनता है, जो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन में जो फ्यूल यूज होता है 54% ऑफ द एंथ्रोपोजेनिक नॉक्स को पैदा करता है। समझ रहे, 54% मोर देन 50%। ठीक है, तो द मेजर सोर्स ऑफ नॉक्स प्रोडक्शन फ्रॉम नाइट्रोजन बियरिंग फ्यूएल
कोल एंड ऑयल द कन्वर्जन ऑफ फ्यूल बाउंड नाइट्रोजन टू द नॉक्स, ठीक है, ड्यूरिंग कंबशन। ओके, तो बात वही है सिंपली, थर्मल नॉक्स जो है हमारा डाई एटॉमिक नाइट्रोजन को ब्रेक करके बन रहा है, वहीं पे जो फ्यूल नॉक्स है ये तो नाइट्रोजन बियरिंग फ्यूल के जलने की वजह से, तो उनमें कोल एंड ऑयल दोनों ही आते हैं, जिसमें कि नाइट्रोजन नॉक्स में परिवर्तित हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब आते हैं हम दूसरे पोल्यूटेंट की तरफ, जिसका नाम है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ये क्या है? इट इज ऑल्सो ए टॉक्सिक गैस विथ पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल, रोटेनिक का स्मेल देता है जी, तो तुमको याद ही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द हाईली रिएक्टिव गैसेस ऑफ सल्फर ऑक्साइड, ये भी सही बात है। अदर गैसेस ऑफ सॉक्स आर SO3, SO3 तो अलग चीज, ये भी मिलता है एटमोसफेयर एट ए कंसेंट्रेशन मच लोअर देन SO2, बट SO2 जो है उसका फॉर्मेशन तभी होता है जब सल्फर ऑक्सीजन की तरफ एक्सपोज होगा, लेकिन फिर वही कहानी, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, समझते हो? इस सब मीनिंग एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कोई भी पूछ सकता है तुमको एग्जाम में ऐसा समझ नहीं कि क्या ये हाई टेम्परेचर में फॉर्मेशन होता है SO2 का, ठीक है, ड्यूरिंग फॉसिल फ्यूल कंबस्टन किस स्टेट पे होगा, क्या ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा? हाँ जी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन ही होगा, SO2 का जो फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन ही है, कुछ नया चीज नहीं है इसमें, ये दिमाग में तुम्हारे क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फिर बात आता है कि ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज में भी दिखता ही है, ठीक है, और मेटल स्मेल्टिंग, मेटल स्मेल्टिंग के जगहों पे भी दिखता है, इट इज टॉक्सिक एट हाई कंसेंट्रेशन, ये तो सही बात है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी टॉक्सिक है हाई कंसेंट्रेशन। सल्फर डाइऑक्साइड का रोल क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है इट डिजॉल्व्स इन द क्राउड ऑफलेट्स, क्राउड ऑफलेट्स में डिजोल्व हो जाता है एंड ऑक्सीडाइजेस टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है व्हिच कैन फॉल टू द अर्थ एज ए एसिड और फॉर्म सल्फेट एरोसोल पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, एंड एसिड रेन रिएक्ट विद द मार्बल और ताजमहल कॉल्ड येलोइश। तो तुम्हारा H2SO4 जो है दैट इज द मेजर कॉज ऑफ रिया, ताजमहल का येलोइश होना तुम्हारा SO2 के फॉर्मेशन की वजह से है, ठीक है। फिर बात आता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ब्लैकनिंग ऑफ द ताजमहल, सो रिजल्ट्स इंडिकेट दैट डिपॉजिटेड लाइट एब्जॉर्बिंग डस्ट एंड कार्बोनेशियस पार्टिकल, बोथ ब्लैक कार्बन एंड ब्रोमो कार्बन फ्रॉम दी कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड बायोमास, ठीक है, आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सरफेस डिस्कलरेशन ऑफ द ताजमहल, करेक्ट। तो ये तो सिंपल है, ब्लैक कार्बन होता है या तो ब्रोमो कार्बन है, क्योंकि तो फॉसिल फ्यूल से निकल रहा है, क्योंकि तो रेस्पॉन्सिबल है, डेफिनेटली यही रेस्पॉन्सिबल है तुम्हारा कार्बोनेशियस पार्टिकल जो है, सल्फर डाइऑक्साइड उसको ट्रिगर करता है, बट ताजमहल को ब्लैकनिंग करने में ब्लैक कार्बन का रोल है और ताजमहल को येलोइश करने में सल्फर डाइऑक्साइड का रोल है। तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो तो हम बार बार बोलते हैं कि सर वो ब्लैकनिंग कैसे होता है, येलोइश कैसे होता है, हमको तो पता ही नहीं है, हम तो सब जगह में ब्लैक कार्बन लगा देंगे, सही गलत है, रिएक्शंस गलत हो जाएंगे। तुमको पता होना चाहिए कि ब्लैकनिंग और येलोइश में फर्क होता है, येलोइश मतलब पेल येलो कलर का बनना,
ब्लैकनिंग क्या होता है, स्पॉट बनना, अंदर में स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, जैसे चंदा मामा में स्पॉट नहीं, वैसा स्पॉट क्रिएट हो जाएगा, तो वो स्पॉट को यहाँ इजिली क्रिएट नहीं हो रहा है ना, समझ लो। इसमें फर्स्ट वाले में तो नहीं हो रहा ये चीज, करेक्ट। तो यहाँ भी तुम देख सकते हो, एक और मेथड है। फिर बात आता है कि क्या हम कोई मेथड्स हैं जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, कुछ पार्टिकल्स को सेटल डाउन करा सकते हैं, कुछ हाई हेवियर पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, सस्पेंड करा के हम उसको अलग कर सकते हैं, कोई ऐसा मेथड है? हाँ जी, ऐसा मेथड है। क्या मेथड है? ग्रेविटेशनल सेटलिंग। ग्रेविटेशनल सेटलिंग, ग्रेविटेशनल सेटलिंग जो है वो क्यों यूज होता है? देखो, ये जो यूज होता है ये उन पार्टिकल के लिए यूज होता है जो ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर से, अब माइक्रोमीटर तो तुम समझ रहे हो, ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर हो और गैसियस स्ट्रीम के साथ आए, ठीक है, ये यूज होता है। मतलब अगर कोई हवा है उसमें एक्सेसिव लोड है डस्ट का, बहुत ज्यादा उसमें डस्ट मौजूद है, तो उसको रिमूव करने के काम आ सकता है। कौन? ग्रेविटेशनल सेटलिंग मेथड जो है उसको रिमूव करने के काम आ सकता है। मैं तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग का ये काम है। फिर आता है तुम्हारा हॉरिजॉन्टल ट्राया। देखो यहाँ पे लिखा है हॉरिजॉन्टल ट्रेल, ट्राया नहीं, ट्रेल लिखा हुआ है। तो इसमें भी क्या लिखा हुआ है देख सकते हो तुम, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं। देखो ग्रेविटेशनल सेटलिंग में तुमको दो चीजें दिख रही हैं, एक तो पॉल्यूटेड गैस का इनलेट दिख रहा है, ठीक है। तो जब ये पॉल्यूटेड गैस अंदर घुसेगा उसमें क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेविटी उसको, देखो किसी पार्टिकल को अगर तुम स्टेबल करते हो, जैसे कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस होता है, कि मतलब जो हेवियर पार्टिकल होते हैं वो डिपोजिट हो जाते हैं नीचे जाके पानी में भी, और ऊपर जो होता है फिर शुद्ध पानी मिलता है सेटलिंग की वजह से मिलता है वो, उसी तरीके से एयर को भी तो सेटलिंग कर सकते हो, डस्ट एयर को ला के ऐसे अलग अलग सेटलिंग चैम्बर्स बना दो, ठीक है, जिसमें कि अलग अलग पोर्स वाले बना लो, ये भी जो है इसमें पोर्स बना लो, ये थोड़ा बड़ा साइज का होगा, इससे छोटा साइज और, इससे छोटा साइज और, इससे छोटा साइज और, ऐसा कर लो, तो नीचे वाला छोटा ऊपर, ऐसा कर लो, हवा तो एंट्री करेगी, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास दे विल सेटल डाउन। तुम ग्रेविटेशनल सेटलिंग मेथड बोल रहे हैं, और जो भी हवा बाहर निकल रही है वो जाके यहाँ पे आउट हो जाएगी, सिंपल है। बस इतना ही पॉइंट आउट करना है कि इसमें ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर के जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं उन्हीं को तुम सेटल डाउन कर सकते हो, बाकियों की नहीं, सिर्फ उनके ही करने की बात चल रही है। इसमें एक्सट्रीम डस्ट लोडिंग होना चाहिए तब ये अच्छे से काम करेगा, फिर इसमें एक्सट्रीम डस्ट लोडिंग होगा तब ये अच्छे से काम करता है, इसमें एक्सट्रीम डस्ट लोडिंग होना चाहिए तब ग्रेविटेशनल सेटलिंग काम करता है। इसके बाद आता है तुम्हारा साइक्लोट्रॉन सेपरेटर। अब उसमें और इसमें क्या फर्क है, ठीक है, साइक्लोट्रॉन सेपरेटर और इसमें
फर्क देखो, साइक्लोट्रॉन सेपरेशन जो है इज अ मेथड ऑफ रिमूविंग द पार्टिकुलेट्स फ्रॉम एयर गैस टू लिक्विड स्ट्रीम विदाउट द यूज ऑफ द फिल्टर्स। हमने ग्रेविटेशनल सेटलिंग में पढ़ा कि ऊपर में क्या है तुम्हारे बड़े वाले पोर्स होंगे, नीचे जाते जाते थोड़े छोटे होते जाएंगे पोर्स, क्योंकि तुम यहाँ देख रहे हो इसका साइज थोड़ा बड़ा था, ऐसा छोटा, ऐसा छोटा, ऐसा छोटा, पोर्स इसमें जो फिल्टर आउट होके जाएगा। करेक्ट, आवाज आ रही है या नहीं आ रही? क्या है साहब? प्रियंका जी, रजवाना जी, रजवाना जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। क्या रजवाना जी, आवाज आ रही है? आ रही है आपको आवाज? हाँ या ना भी तो बोलेंगे तब तो समझ में आएगा। आपको तो आ रही है प्रियंका जी, हम समझ रहे हैं। रजवाना जी को आ रही थी? आ रही है सर। ठीक है, तो देखो हम इंस्ट्रूमेंटेशंस पढ़ रहे हैं प्रियंका एंड रिजवाना, इस चीज पे ध्यान दो। जब तुम इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो इस चीज पे ध्यान दो, लेकिन फिर वही बात है, तुम लोग पढ़ते हो लेकिन नोट्स नहीं बनाते हो, ना नोट्स बना रहे हो ना कभी दिखाते हो, ये गड़बड़ी है भाई। प्रियंका तुम अभी तक टेलीग्राम में अप्रोच नहीं किया है क्या? मीनिंग है टेलीग्राम तुम ज्वाइन नहीं किया ग्रुप? रजवाना तुमने भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया सुना है? यू हैवंट ज्वाइंड येट। आप लोगों को ज्वाइन करना चाहिए ना, वहां पे बीच बीच में कुछ कंटेंट डालते रहते हैं हम लोग, अभी तक तो कोई ज्वाइन ही नहीं है। ज्वाइन क्यों नहीं हो? ज्वाइन तो कर लो, ज्वाइन कर लो वहां पे। सर्च करो ना पिलर फॉर्म के नाम से, पिलर फॉर्म यूजीसी नेट, तुमको उस ग्रुप का वो मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक की जरूरत ही नहीं है, तुम सिंपली जाओ ना वहां पे पिलर फॉर्म यूजीसी नेट इन्वायरमेंटल साइंस लिख दो, एक ग्रुप तो दिखाएगा ना। पिलर फॉर्म यूजीसी नेट ईवीएस लिखो, कैपिटल में लिख के देखो, फिलअप फॉर्म यूसी नेट पीवीएस, तो उसका ग्रुप आ ही जाएगा। टेलीग्राम लिंक की जरूरत नहीं, टेलीग्राम खोलो उसमें लिखो एंड यू कैन कनेक्ट देयर, आई कैन यू कैन गेट माय डायरेक्ट एक्सेस, वहां से आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हो, बात भी कर सकते हो। आपको जो भी डाउट्स हैं यू कैन क्लियर आफ्टर दिस। ठीक है, क्लासेस में तो उतना क्लियर नहीं कर पा रहे हो, जो दिक्कत हो रही है, लेकिन वहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लियर है ना? पिलर फॉर्म अंडरस्कोर यूसीनेट अंडरस्कोर ईवीएस चेक कर लो, मिल जाएगा। तो मैं कहा था, ग्रेविटेशनल सेटलिंग की बात कर रहा था। तो ग्रेविटेशनल सेटलिंग की जो मैं बात कर रहा था, इसमें मैं बोल रहा था कि यहाँ पे जो है फोर साइजेस की बात चल रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई फोर साइजेस नहीं है, ये अलग ही है। इसमें फोर साइज का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है। साइक्लोट्रॉनिक सेपरेशन जो होता है वो विदाउट द यूज ऑफ क्या होता है, तुम्हारा फिल्टर होता है। इसमें क्या एक वर्ड यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज वोर्टेक्स। इसमें वोर्टेक्स यूज होता है, वोर्टेक्स। ठीक है, वोर्टेक्स यूज करके सेपरेट करता है। वो क्या बोलता है कि व्हेन रिमूविंग द पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम लिक्विड ए हाइड्रोक्लोरिन क्लोन इज यूज्ड। तुम देख सकते हो कि यहाँ पे कैसे जो है इनलेट एयर जो पास करता है वो बहुत ही हाई स्पीड में मूव करता है। ठीक है, रोटेट करता है, रोटेशनल इफेक्ट होता है। तो रोटेशनल इफेक्ट में एक चीज ऑब्जर्व होता है कि जो हेवियर पार्टिकल है, अगर कोई भी चीज बहुत तेजी से उड़ने लगे और हेवियर पार्टिकल है
इसमें अगर एक साइक्लोन बना दो तुम, तो जो हेडर पार्टी लोग होंगे वो छिटक के गिर जाएंगे यहाँ पे, छिटक के यहाँ आ जाएंगे, ये भी छिटक के यहाँ आ जाएंगे, और अंदर में सिर्फ क्या रहेगा, हवा रहेगा। तो वो हवा जो है वो निकल जाता है किससे, क्लीन एयर जो है वो निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये वही बोल रहा है कि इनलेट और पोल्यूटेड गैसेस, ठीक है। फिर बनता है क्या है, दो वोर्टेक्स बनते हैं, एक बनता है आउटर वोर्टेक्स पोल्यूटेड गैसेस, इनर वोर्टेक्स पोल्यूटेड गैसेस, दो बनते हैं, दो वोर्टेक्स बनेंगे और जो पार्टिकुलेट मैटर है वो सेटल कर देगा नीचे और फ्रेश एयर तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। मतलब ये पहले बड़े बड़े राउंड बन बन के अंदर से सेटल करते हैं, फिर अंदर में छोटे छोटे राउंड बन के ऊपर निकल जाते हैं। तो दिस इज हैपनिंग इन दी साइक्लोनिक सेपरेटर, इसको हम वोर्टेक्स का भी नाम दे रखें, दिस वी हैव गिवन नेम एज वोर्टेक्स। ये वोर्टेक्स मेथड है जिसको हम साइक्लोट्रॉन सेपरेटर भी बोलते हैं। इसके बाद आता है तुम्हारा फैब्रिक फिल्टर, ठीक है। फैब्रिक फिल्टर में क्या होता है समझो, फैब्रिक फिल्टर, फैब्रिक फिल्टर में क्या होता है कि ये भी रिफर किया जाता है पार्टिकुलर मैटर को डिपोजिटिंग द पार्टिकल ऑन द फैब्रिक मैट्रिक मटेरियल, फैब्रिक मटेरियल होता है, ठीक है। अब तुम इसमें क्या बोल सकते हो, इसको हम बैग हाउस भी बोल सकते हैं, इसका नाम है बैग हाउस फिल्टर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं जैसे कि तुम यहाँ पे इनलेट एयर को छोड़ रहे हैं, ठीक है, इनलेट एयर यहाँ अंदर गया, ठीक है। अब इनमें क्या है कि इनमें तुमने क्या लगा रखा है, फिल्टर्स लगा रखा है भाई, इनमें इनमें फिल्टर रखा है, फैब्रिकेशन कर रखा है। तो हवा जब इसमें से जाएगी तो ये जो फिल्टर्स लगे हुए हैं इनमें से हवा पास करके बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल है वो तो गिरना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एक तरीके से शेकर मैकेनिज्म है, शेक कर देता है, शेक करता है ये जो है, ऊपर नीचे शेक करता है। तो हवा जाती है इस पे, शेक हो जाता है और निकल आता है तुम्हारा डस्ट पार्टिकल, जबकि ये फिल्टर बैग जो होते हैं ये हमारे उसको फिल्टर आउट करके बाहर निकाल देते हैं अच्छे हवा से, ठीक है। और उसके बाद तुम आउटलेट में डिस्चार्जिंग मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हो। अब तुम सोच रहे होगे कि सर इसका क्या यूज है, भाई ये फैब्रिक फिल्टर अगर रहेगा तो तुम कम से कम ये तो बता पाओगे कि उस जगह का जो PM 10 या PM 2.5 पार्टिकल तुम ऑब्जर्व करते हो उसमें कौन सा मटेरियल मौजूद है, मतलब किस एलिमेंट से वो PM 2.5 PM 10 का मटेरियल बना हुआ है, दैट यू कैन से फ्रॉम ऑब्जर्विंग दिस। तो फैब्रिक फिल्टर एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसको हमको जानना जरूरी है, ओके। तो आज का जो क्लास है वो हम फैब्रिक फिल्टर तक ही रखेंगे, क्योंकि आगे हम कंटिन्यू अगले क्लास में करेंगे, ओके। आई थिंक रजवाना एंड प्रियंका, आज के क्लास में तुम्हारा एयर पोल्यूशन शुरू हो चुका है, और ये पोल्यूशन का बहुत बड़ी यूनिट है और बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, एंड आई थिंक ये कवर अप कर लोगे तो तुम्हारा बहुत सारा जो चीजें हैं वो क्लियर अप हो जाएगा, ओके। हाँ प्रियंका तो पहले ही भागने के चक्कर में, गुड नाइट। नींद आ रही है क्या प्रियंका, नींद आ रही है, थैंक्स सर बोल के भाग रहे हो। बताओ नींद आ रही है या भूख लग रही है, क्या हो रहा है, पेट पूजा करनी है, भूख लग रही है, ठीक, क्यों भागना चाहते हो। रिजवाना आर यू एबल टू लिसन मी और नॉट, सुन पा रहे हो, कौन से यूनिट तक तुम दोनों ने अभी तक पढ़ लिया, अच्छे से रिवीजन कर लिया है।
अब तो इतने मिनट्स पढ़ा चुका हूँ, वीडियोस लेक्चर कौन देख चुके हो, वापस वापस रिपीट कर चुके हो, किस किस यूनिट के, हाउ मेनी यूनिट्स यू हैव कवर टिल नाउ, क्योंकि शुरू से तो पढ़ा ही चुका हूँ मैं। तुम लोग कितने कितने यूनिट्स कवर कर लिए हो? प्रियंका यूनिट 4 कवर हो गया है, यूनिट 5 अभी नहीं किए हो, अभी अभी जो चल रहा है। ओके ठीक है, रिजवाना का क्या है? हाउ मेनी यूनिट्स रिजवाना? हैव स्टार्टेड नॉट, गिव ए ऑनेस्ट आंसर, अप टू हाउ मच यू हैव कंप्लीटेड, गिव मी ऑनेस्ट आंसर, कितना कर चुके? बता भी दो कितना कर चुके हो। रिजवाना चली गई क्या? क्लास में नहीं है लग रहा है। खैर प्रियंका सर, ज्योति शिवाली कृष्णा कहाँ गए? अरे उन लोग का किसी का तबीयत खराब रहता है, कृष्णा तो आता है, कृष्णा को शायद कहीं जॉब में फंस गया होगा। शिवाली से बहुत दिन से बात नहीं हुई, बात करूंगा उससे। आई विल टॉक टू तुम लोग, क्लास कंटिन्यू करो, वो लोग देख लेता है ऑफलाइन वीडियोस, अपलोडेड वीडियोस देख लेता है। ओके लेट्स गो।